महोदय, माननीय कृषि राज्य मंत्री महोदय, आप सबका हृदय से स्वागत है। आज अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग एक के लिए चयनित 431 वरिष्ठ प्राविधिक सहायकों के नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में, भारत कृषि प्रधान देश है और इसीलिए कृषि विभाग के दायित्व और कर्तव्य भी बहुत विशाल हैं और इसमें मूल रूप से शुरुआती दौर पे जो हमारे वरिष्ठ प्राविधिक सहायक ज़मीन से अधिकारियों तक के बीच समन्वय स्थापित करते हैं और बड़े बड़े परिवर्तनों के लिए जिम्मेदार होते हैं, उन सब का हम स्वागत करते हैं। नवनियुक्त जितने भी हमारे वरिष्ठ प्राविधिक सहायक हैं, सबसे पहले मैं चाहूँगी कि तालियों के प्रणाम से आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें और बारी है स्वागत की। मैं माननीय कृषि मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि हम सब की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को पुष्प भेंट कर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें और आप सब अपनी भावनाओं को तालियों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक पहुंचाएंगे। अपर मुख्य सचिव कृषि डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी जी हम सब की ओर से माननीय कृषि मंत्री महोदय का स्वागत करेंगे। कृषि निदेशक श्री विवेक कुमार सिंह जी माननीय कृषि राज्य मंत्री महोदय का पुष्प भेंट कर स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। और अब मैं अपर मुख्य सचिव कृषि डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी जी से अनुरोध करूंगी कि अतिथियों का स्वागत करें और इस कार्यक्रम की रूपरेखा बताएं। सम्मानित माननीय मुख्यमंत्री जी, माय कृषि मंत्री जी, कृषि राज्य मंत्री जी, निदेशालय निदेशक सहित सभी अधिकारीगण, मीडिया के साथ ही हमारे सभी वरिष्ठ प्राविधिक सहायक, आज ये बहुत ही ऐतिहासिक दिन है कृषि विभाग के लिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहूँगा कि ये जो स्तर है वरिष्ठ प्राविधिक सहायक ग्रुप ए, इसके 1123 पद स्वीकृत हैं, जिसमें से 50% होते हैं वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के हैं और 50% प्रमोशन के। और प्रमोशन में से जो सीधी भर्ती हैं उनमें से जो करीब 559 पद होते हैं उसमें से 431 अभ्यर्थियों का आज चयन हो रहा है और लोग आए हैं। आप समझ सकते हैं कि कितने वर्षों से ये पद जो थे वो खाली चल रहे थे और आपके निर्देशन में जो एक प्रक्रिया, पारदर्शी प्रक्रिया शुरू हुई है अधीनस्थ सेवा आयोग में और लोक सेवा आयोग में, उनके माध्यम से एक साथ लगभग जो रिक्त पद हैं 80% पद आज हम भर रहे हैं, जो कि फील्ड में जाएंगे आज के बाद और करके वो कार्य करेंगे। ये बहुत बड़ा दिन इसलिए है क्योंकि हमारे कृषि विभाग का जो एक संगठित ढांचा है उसमें ये सब लोग सीधे सीधे कृषकों से जुड़े हुए हैं। ये जो 431 अभ्यर्थी हैं जिसमें से 264 कृषि विकास शाखा के हैं, 47 कृषि रक्षा शाखा के हैं, 92 केमिस्ट्री या रसायन शाखा के हैं, 23 जो हैं वो शल्य या एग्रोनॉमी के हैं और 5 वनस्पति शाखा के हैं। ये सभी लोग जब जाएंगे तो ये विषय वस्तु विशेषज्ञ हैं, अपर जिला कृषि अधिकारी, वरिष्ठ कृषि रक्षा परिवेक्षक, भूमि संरक्षण के अधीन प्राविधिक सहायक और प्रयोगशाला, इन सब में कार्य करेंगे जाके और भविष्य में इनका प्रमोशन जिला कृषि अधिकारी, भूमि संरक्षण अधिकारी इत्यादि में जब ये पूरी सेवा अपनी पूरी करेंगे, मिनिमम वर्ष जितने आवश्यक हैं जाएंगे। ये सबसे गर्व का विषय यह है कि जितने भी लोग आए हैं एक पारदर्शी प्रक्रिया से आए हैं और जो राज्य सरकार की नीति है, जो केंद्र सरकार की नीतियों को बिल्कुल रिफ्लेक्ट करती है। सबसे पहले ये कि हम लोगों ने पारदर्शिता करने के लिए इंटरव्यू समाप्त किया, ग्रुप बी सी सर्विसेज के लिए इंटरव्यू समाप्त, बिल्कुल 2-tier सिस्टम में अब चयन हो रहा है। आगे से 2 बार पेट का एग्ज़ाम हो चुका है, लाखों करीब 25 लाख लोगों ने इसको दिया है और पारदर्शी प्रक्रिया से अब 2-tier एग्ज़ाम होंगे। उसमें अन्य भी जो हमारे आगे भविष्य में जो चयन होंगे, चाहे वो प्राविधिक सहायक हो या अन्य जो विभागों के पद हैं, वो अब भरे जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक ट्रांसफॉर्मेशनल व्यवस्था आई है हम लोग के प्रदेश में, जिसमें कि मेरिट से, आपकी अपनी बुद्धि से, अपने माँ बाप के आशीर्वाद से और आपकी मेहनत से, उसी से चयन हो रहा है। और अपेक्षा ये की जाती है क्योंकि आप अपने मेहनत से और मेरिट से चयन हो के आए हैं, तो उसी मेरिट से और सेवा भाव से आप भविष्य में किसी ग्रुपों के साथ काम करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण योग है आपका कृषि सेक्टर का, जो $1 trillion इकोनॉमी की बात हो रही है, $1 trillion इकोनॉमी की, जो माननीय मुख्यमंत्री जिसके बारे में आपको बताते रहते हैं, आप सुनते रहते हो अखबारों में,
उसमें कृषि विभाग का जो रोल है उसमें आपका एक महत्वपूर्ण कड़ी है। आप ईमानदारी सत्यनिष्ठा से कार्य करेंगे, कृषकों के सारी समस्याओं का निराकरण करेंगे जिससे कि उनकी आय बढ़े और हम विभाग जो है और अच्छे कीर्तिमान स्थापित करें। मैं आपको शुभकामनाएं देते हुए विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इस कार्यक्रम में आके अपने उद्बोधन से हम सभी को आशीर्वाद देने और दिशा निर्देश देने के लिए समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। आप सबके निष्पक्ष और पारदर्शी चयन के लिए माननीय कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी ने सतत प्रयास किया। मैं माननीय कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी से अनुरोध करूंगी कि आज के इस अवसर पर अब हमारा मार्गदर्शन करें। देश के लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी, हमारे राज्य मंत्री आदरणीय बलदेव सिंह औलक जी, अपर मुख्य सचिव कृषि डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी जी, निदेशक कृषि श्री विवेक सिंह जी, आज के इस सभागार में उपस्थित मिशन शक्ति के अंतर्गत सभी वरिष्ठ प्रावधिक सहायक ग्रुप ए के 9 नियुक्त, में अभी नियुक्त पत्र मिल जाएगा तो आप सभी नियुक्त ही हो जाएंगे, इसलिए 9 नियुक्त सभी अभ्यर्थीगण, सभागार में उपस्थित कृषि विभाग के सभी अधिकारी मित्रों, मीडिया के सम्मानित सज्जनों, आज के इस शुभ अवसर पर मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का कृषि विभाग की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। विगत 5.5 वर्षों में आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश निरंतर चतुर्दिक विकास की दिशा में अग्रसर हुआ है। जीवन के सभी पहलुओं को कैसे सुख समृद्धि वहां तक पहुंचाई जाए, इसके लिए निरंतर सचेष्ट रहे हैं और राज्य के भीतर भी हमारे शिक्षित नौजवानों को बेहतर तरीके से रोजगार मिल सके, इसलिए मिशन रोजगार के रूप में आपने अभियान चला करके और निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से हमारे युवकों को रोजगार मिल सके, इस दृष्टि से जो मुख्यमंत्री जी ने प्रयास किए हैं, आज उसी के परिणाम स्वरूप वरिष्ठ प्राविधिक सहायक ग्रुप ए में हमारे 431 हमारे परिवार में शामिल 9 नियुक्त इन अधिकारियों का प्रवेश आज कृषि विभाग में हो रहा है। इस अवसर पर मैं आप सभी को हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से 5 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला है जो सरकारी सेवाओं के भीतर, अपने में ये रिकॉर्ड है। बड़े पैमाने पर पुलिस की भर्ती, शिक्षा विभाग में बेसिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा विभाग के भीतर भर्ती, चिकित्सा विभाग के अंतर्गत और विभिन्न विभागों के भीतर रिक्त पदों को लगातार भरने के जो प्रयास हुए हैं, उस कड़ी में कृषि विभाग ने भी अपना योगदान किया है और उस योगदान के भीतर आज आप सबको मिशन रोजगार के अंतर्गत यह रोजगार देने का कार्य संपन्न हो रहा है। पूरे पारदर्शी तरीके से भर्ती हुई है और आपकी तैनातियां भी बहुत पारदर्शी तरीके से होने वाली हैं, किसी भी प्रकार का उसके भीतर कहीं से भी भ्रष्टाचार का कोई हिस्सा नहीं होगा, ये मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ। हम लोगों ने कृषि विभाग के भीतर सबॉर्डिनेट कमीशन के माध्यम से गत वर्ष 2020 में हम लोगों ने परीक्षाएं कराई थी और उसके अंतर्गत 1938 कृषि तकनीकी सहायकों को भी सेवा का अवसर कृषि विभाग के भीतर दिया गया था।
राज्य के भीतर अब तक श्रेणी दो के 52 अधिकारियों की और सांख्यिकी विभाग जो हमारा एग्रीकल्चर स्टेटिक्स डिपार्टमेंट है उसके भीतर 62 अधिकारियों का चयन करके उनको भी कैसे कृषि क्षेत्र में गति प्रदान किया जाए और योजनाओं को जमीन तक उतारा जाए उस दिशा में कृषि विभाग ने निरंतर प्रयास किया है। हम लोगों ने सरकार बनने के तुरंत बाद 3,434 से भी ज़्यादा पद हम सबॉर्डिनेट कमीशन को भेज चुके हैं जिस पर आगे आने वाले दिनों में कृषि तकनीकी सहायकों के रूप में जो हमारे ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कृषि क्षेत्र के विद्यार्थी हैं उनको उसके भीतर अवसर मिलेगा। आज जो यह यहाँ पर बैठे हुए जितने लोगों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है इन सबका मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है सभी इसमें से पोस्ट ग्रेजुएट लोग हैं। यह अपने में एक विभाग के लिए एक बहुत जैसा अभी एसीएस साहब ने बताया कि बड़े पैमाने पर रुक्तियाँ थी वो हमारी कमी पूरी होंगी और इसलिए सिर्फ इतना ही नहीं कृषि विभाग के भीतर पिछले 5 वर्षों में कर्मचारियों का मनोबल और उनके भीतर कार्य करने की हमेशा प्रेरणा उनको मिलती रहे इसके लिए 5.5 वर्षों में हम लोगों ने निरंतर पदोन्नति के अभियान चला करके जितना बड़े पैमाने पर आपके शासनकाल में कर्मचारियों की पदोन्नति हुई है उतना कभी नहीं हुई होगी। मैं समझता हूँ कि 6,000 से ज़्यादा लोगों को पिछले 5.5 वर्षों में पदोन्नति विभिन्न स्तरों पर डायरेक्टर से लेकर के और नीचे के कर्मचारी तक हम लोगों ने उस कार्य को संपन्न किया। और सबसे खुशी की बात यह है मुझे आपको बताने में कि अवर अभियंता जो कृषि विभाग के भीतर थे 17 साल से उनकी कोई प्रोन्नति नहीं हुई थी। जिस तरीके से कृषि आप हमारे वरिष्ठ प्रावधिक सहायक की तैनाती नहीं हो पाई मैं समझता हूँ दशकों से नहीं हो पाई थी उसी तरीके से 17 साल से कृषि विभाग के अवर अभियंताओं की प्रोन्नति नहीं हो पाई थी। हम लोगों ने प्रयास करके और इसमें से 41 लोगों को प्रोन्नति करके सहायक अभियंता कृषि के रूप में जो है उनको हम प्रोन्नति दे दिए हैं उनकी तैनातियां होने वाली हैं और वो विभिन्न जनपदों में जा करके वो अपनी सेवा का अवसर दे सकेंगे। इसी तरीके से 1,077 लोगों को विगत वर्ष हम लोगों ने प्रावधिक सहायक ग्रुप सी के भीतर उनकी प्रोन्नति किया था विगत 2 वर्षों के भीतर जो ब्लॉक लेवल पर एडीओ एग्रीकल्चर के रूप में जाकर के उन्होंने उत्तरदायित्व को संभाला। इनके नियुक्ति के साथ साथ पदस्थापना का कार्य भी अत्यंत पारदर्शी तरीके से चल रहा है और उसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश में कृषि क्षेत्र के भीतर योजनाओं को हम बहुत कारगर तरीके से जमीन पर उतार रहे हैं। और मुझे बता करने में यह प्रसन्नता हो रही है कि जब आपकी सरकार बनी थी उसके पूर्व के साल 2016-17 वित्तीय वर्ष के भीतर कृषि विभाग का जो व्यय था वार्षिक विकास कार्यों पर वह 1200 से लेकर के 1250 करोड़ रुपए का था। राज्य में प्रयास करने से कोरोना के पूर्व काल में हम लोगों ने उसको 2200 करोड़ रुपए तक पहुंचाया और इस समय 2000 करोड़ रुपए तक उसको पहुंचा करके योजनाओं में किसानों की व्यापकता को बढ़ाते हुए कि उन तक वो योजनाएँ सीधे उन तक पहुँचे इस दिशा में कृषि विभाग ने प्रयास किया है। और इस कृषि विभाग में ये हमारे अधिकारियों कर्मचारियों के प्रयासों से ये संभव हो सका है कि हम देश के भीतर 2,60,00,000 किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से पैसा भेज करके लगभग 52,000 करोड़ रुपए उन तक हम पहुंचाने में सफल हो पाए हैं। मैं आपसे कृषि विभाग के भीतर जो किसानों के लिए हम लोगों ने योजनाएं चलाई हैं अब तक लगभग 32,000 से ज़्यादा हम खेत तालाब खोद चुके हैं। 30,000 से ज़्यादा हम लोगों ने सोलर पंप किसान भाइयों को 60% सब्सिडी पर उनको उपलब्ध करवाया है। इस साल भी हमारा ये लक्ष्य है कि इस वित्तीय वर्ष के भीतर 30,000 हम सोलर पंप किसान भाइयों तक उपलब्ध करवा सकें जिससे वो बिजली के बिना भी सौर ऊर्जा से अपनी सिंचाई भी कर सकें और जैसा प्रधानमंत्री जी की इच्छा है कि उनको बिजली को खरीद करके किसानों को उससे मूल्य भी प्राप्त हो सके उस दिशा में भी कृषि विभाग निरंतर प्रयत्नशील है। हम लोगों ने खराब मौसम को देखते हुए 9,00,000 से ज़्यादा दलहन और तिलहन के मिनी किट हम उनको उपलब्ध करवाए और उसको भी
बड़े आप जब निकलेंगे बाय रोड कभी आपका जाना होगा तो आप देखेंगे कि जिन खेतों में कभी सरसों नहीं दिखाई देती थी आज वो आपके आशीर्वाद से निःशुल्क मिनी किट जो उनको उपलब्ध कराया गया है। तिलहन के दृष्टि से उत्तर प्रदेश देश को आत्मनिर्भर बनाने में अपना योगदान दे सके इस दिशा में हम लोगों ने विशेष प्रयास किए हैं। हम प्राकृतिक खेती को भी आगे बढ़ा रहे हैं। मिलेट्स ईयर के रूप में आगे कार्यक्रम जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में होंगे आपसे हमने उसके बारे में चर्चा भी की है, जल्दी ही आपकी सहमति और स्वीकृति उसके भीतर प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से जो ये योजनाएं चल रही हैं उन योजनाओं को जमीन पर बेहतर तरीके से पहुंच सके उसमें आज जो नवनियुक्त हमारे कृषि तकनीकी सहायक हैं इनका एक बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। और मैं ये आपसे अनुरोध करना चाहता हूं जो आज यहां पर नव जो नियुक्ति पत्र पा रहे हैं कि जिस पारदर्शिता और ईमानदारी और निष्पक्षता के साथ आपको ये अवसर मिला है उसी निष्पक्षता के साथ आप किसानों को पारदर्शी तरीके से उनकी योजनाओं को लाभ पहुंचाए जाने में योगदान देंगे ये मैं आपसे आशा और विश्वास रखता हूं कि इस दिशा में आप कदम उठाएंगे। मैं आप सबको इस अवसर पर विशेष बधाई देना चाहता हूं कि आप एक ऐसे क्षेत्र में जा रहे हैं कि देश की अर्थव्यवस्था जब कोविड काल के भीतर प्रभावित हो गई थी कृषि क्षेत्र उसके भीतर क्यों क्या क्यों मजबूती के साथ अपने पैर जमा करके रहा और उसकी सेवा करने का आज आपको भगवान की कृपा से ये अवसर मिला है। सबके लिए आपको बधाई देता हूँ। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद इस बात के लिए देता हूँ कि आपने इस कार्यक्रम के लिए अपनी तमाम व्यस्तताओं में से समय निकाल करके भी आपको बाहर जाना है आपने उसके लिए समय दिया, हमारे विभाग के मनोबल को आपने बढ़ाया, इसके लिए हृदय से मैं आपको हार्दिक बधाई शुभकामनाएँ आभार प्रकट के लिए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। और अब बारी है वरिष्ठ प्राविधिक सहायक ग्रुप ए के चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करने की। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हम निवेदन करेंगे कि अपने कर कमलों से इन्हें ये नियुक्ति पत्र प्रदान करें। मैं आमंत्रित कर रही हूँ हर्षित तिवारी, हर्षित तिवारी, हर्षित त्रिपाठी, डॉक्टर स्तुति कृष्णा, जितने भी चयनित हमारे वरिष्ठ प्राविधिक सहायक हैं उसमें बहुत सारे लोग पीएचडी किए हुए हैं। डॉक्टर स्तुति कृष्णा, राजमणि सिंह, सूरज मौर्य, विकास मिश्रा, सुमा, सुमा, डॉक्टर प्रिया सिंह, चंद्रशेखर शर्मा, अभिषेक कुमार, शुभम सिंह, और कुसुम लता टॉपर हैं इस ग्रुप की। आज 431 लोगों को दिया जाना है नियुक्ति पत्र और प्रतीकात्मक रूप से इन लोगों को दिया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आज का यह दिन उन तमाम लोगों के लिए बहुत खास है जिन्हें एक नई जिम्मेदारी मिल रही है, एक नया पद और जीवन का एक नया अध्याय इसी के साथ शुरू हो रहा है। आपके कुछ सपने हैं, आपकी कुछ अपेक्षाएं हैं, आपके कुछ उद्देश्य हैं। मैं 5
ऐसे नवनियुक्त वरिष्ठ प्राविधिक सहायकों के नाम लूंगी और क्रमवार ढंग से वो अपने विचार संक्षेप में प्रस्तुत करेंगे। इस क्रम में सबसे पहले मैं आमंत्रित कर रही हूँ डॉक्टर स्तुति कृष्णा को। आप अपनी बात कहें। परम आदरणीय मुख्यमंत्री जी, माननीय कृषि मंत्री जी और मंच पर विराजमान सभी सम्मानित सदस्यों को मैं सादर प्रणाम करती हूँ। मैं डॉक्टर स्तुति कृष्णा वाराणसी जिले से आज वरिष्ठ प्राविधिक सहायक ग्रुप ए के अपने नियुक्ति पत्र को माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से प्राप्त करके बहुत प्रसन्न हूँ और गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। मुझे ये कहने में अत्यंत हर्ष हो रहा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास जैसे उद्देश्य लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी के अथक प्रयासों का ही परिणाम है कि आज हमें पारदर्शी तरीके से ये नियुक्तियाँ मिल पा रही हैं। मैं कृषि विभाग में अपना योगदान पूरी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा से देने का प्रयत्न करूंगी और कृषकों के जीवन में और उनकी आमदनी में आशातीत वृद्धि के लिए निरंतर प्रयास करूंगी। जय हिंद, जय भारत। परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी तथा माननीय ऊर्जामान कृषि मंत्री जी एवं समस्त मंचासीन प्रबुद्ध जन, सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा निष्पक्ष एवं पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत मैं नियुक्ति पत्र पाकर बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर चलने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी के गरिमामय उपस्थिति में बहुत ही अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ। इसी के साथ कृषि तथा अन्नदाताओं के सुशासन एवं सुव्यवस्था से उनको यथासंभव खेत से खुशहाली तथा किसान के अन्नदाता के खेत की खुशहाली तथा जीवन की खुशहाली में यथासंभव प्रयास करूंगा। इसके लिए बहुत बहुत सहृदय आभार प्रकट करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद विकास। डॉक्टर प्रिया सिंह। परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी एवं कृषि मंत्री जी एवं समस्त अतिथिगण, आप सबको मेरा सादर प्रणाम। मैं प्रिया सिंह कृषि रक्षा विभाग में चयनित हुई हूँ और मैं सरकार से इसका आभार व्यक्त करती हूँ। कहते हैं ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती और इसी बात को चरितार्थ करता है मेरा पारदर्शी पूर्वक चयन। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से अपना नियुक्ति पत्र प्राप्त करके मुझे अत्यंत हर्ष हुआ है और आपके मार्गदर्शन में मैं पूरी ईमानदारी और कर्मठता के साथ अपने कर्तव्य का पालन करूंगी। कृषि मूल ही जीवनम, इसी वाक्य के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूं और पूरे सरकार का धन्यवाद देती हूं। धन्यवाद डॉक्टर प्रिया। चंद्रशेखर शर्मा। परम श्रद्धेय माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, हमारे ऊर्जावान कृषि मंत्री महोदय जी एवं मंचासीन विशिष्ट प्रबुद्धजन, मेरे भाई और बहनों, आज हमारे लिए, हम छात्रों के लिए बड़ा ही गर्व का विषय है। यह एक स्वप्न के साकार होने जैसा हो रहा है। बीते वर्षों में हम युवा कमर तोड़ मेहनत करके परेशान हो गए थे और एक अदद नौकरी के तलाश में भटक रहे थे। हमारा आत्मविश्वास एकदम रसातल में चला गया था, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के कुशल प्रशासन एवं नेतृत्व में जो प्रदेश सरकार में रोजगार की झड़ी लगी है, उसका एक छोटा लाभांश हमें भी प्राप्त हुआ है, हम सबको प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं आपको तहे दिल से आपका आभार प्रकट करता हूं, प्रणाम करता हूं। धन्यवाद चंद्रशेखर। और अब कुसुम लता, ये टॉपर भी हैं इस ग्रुप में। मैं यहां उपस्थित माननीय कृषि मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी, ऊर्जावान कृषि मंत्री जी एवं समस्त वृद्धजन को सादर प्रणाम करती हूं। मुझे यह बताते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि हमारे ऊर्जावान प्रतिभावान माननीय मुख्यमंत्री जी के अथक प्रयासों का ही यह परिणाम है कि हमारी नियुक्ति प्रक्रिया अत्यंत ही पारदर्शी एवं निष्पक्ष तरीके से संपन्न हो रही है। क्योंकि हमारी नियुक्ति प्रक्रिया अत्यंत पारदर्शी तरीके से संपन्न हुई है, तो हमारे कार्य भी समाज के लिए बिना राग द्वेष के होंगे और मैं यह आश्वस्त करना चाहती हूँ कि हम ऐसा करेंगे भी। साथ ही साथ मैं समस्त कृषि परियोजनाओं को अपने अन्नदाताओं के बीच में प्रचारित एवं प्रसारित करूंगी, जिससे न ही सिर्फ उनके आय में साथ साथ में उत्पादन एवं उत्पादकता में हम एक नया कीर्तिमान स्थापित कर सकते हैं। इसी के साथ साथ मैं पुनः अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सभी जिस लक्ष्य को लेकर आगे चल रहे हैं उसमें सफल हों,
माननीय मुख्यमंत्री जी का व्यक्तित्व, उनके विचार, उनकी सोच और उनकी कार्यशैली हमें पूरी प्रतिबद्धता और ईमानदारी के साथ अपने दायित्वों के निर्वहन कर जीवन जीने की प्रेरणा तो देता ही है, साथ ही साथ राष्ट्र के निर्माण से जुड़ने का लक्ष्य और अवसर भी प्रदान करता है। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि अपने प्रेरणादायी मार्गदर्शन से हमारा मार्ग प्रशस्त करें। आप सबकी जोरदार तालियों के अभिवादन के साथ मिशन रोजगार के अंतर्गत कृषि विभाग के वरिष्ठ प्राविधिक सहायक रूपे के नियुक्ति पत्र वितरण के आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, कृषि विभाग के राज्य मंत्री सरदार बलदेव सिंह ओलख जी, अपर मुख्य सचिव कृषि श्री देवेश चतुर्वेदी जी, कृषि निदेशक श्री विवेक कुमार सिंह जी, कृषि विभाग के सभी अन्य अधिकारीगण और लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा चयनित नवनियुक्त प्राविधिक सहायक और उपस्थित सभी भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले आप सबके चयन के लिए आप सभी नवचयनित कृषि प्राविधिक सहायकों को और आपके सभी के परिवारजनों को, अभिभावकों को हृदय से बधाई देता हूं। अभी कुछ चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मैंने वितरित किया और मैं देख रहा था कि उनके पास अच्छी डिग्री के साथ साथ एक अच्छा अनुभव भी है, लेकिन उस प्रतिभा और उस अनुभव का लाभ राज्य के अन्नदाता किसानों को नहीं मिल पा रहा था। मुझे प्रसन्नता है कि प्रदेश सरकार ने प्रदेश के अंदर वरिष्ठ प्राविधिक सहायक ग्रुप ए के जिन पदों का अधियाचन भेजा था, यहां से लोक सेवा आयोग के लिए भेजा था, उनमें से 50% जिन पदों पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा चयन की प्रक्रिया होनी थी, जो शेष पद हैं वह विभागीय प्रोन्नति के माध्यम से आगे बढ़ेंगे, लेकिन 50% जिन पदों के चयन की प्रक्रिया संपन्न होनी थी उनमें 431